सीवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हुसैनगंज थाना इलाके के सरिया गांव में हुसैनगंज की वीडियो मनीषा प्रसाद के ड्राइवर निजामुद्दीन उर्फ भोला को अपराधियों ने गोली मार दी है। आपको बताते चलें कि निजामुद्दीन उर्फ भोला हुसैनगंज वीडियो के ड्राइवर हैं और उनका पुत्र जो है बिट्टू, वो उन्हें लेने के लिए हुसैनगंज ब्लॉक गया हुआ था और जब अपने पिता को लेकर के वो आ रहा था तो सरिया के पास उसे अपराधियों ने गोली मार दी और बाइक को छीनने का प्रयास किया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सीवान में अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज सीवान के हुसैनगंज थाना इलाके के सरिया गांव में अपराधियों ने वीडियो जो हुसैनगंज की वीडियो है उनके चालक को और चालक के पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें सीवान के सदर अस्पताल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्रशासनिक जो दल बल है, जो SDPO यहां के सीवान के तेज तरार SDPO हैं जितेंद्र पांडे, वो अपने दल बल के साथ पहुँचे हुए हैं और लोगों को समझा बुझा रहे हैं। हालाँकि घायल अवस्था में जो वीडियो के चालक हैं निजामुद्दीन उर्फ भोला, उन्हें और उनके पुत्र बिट्टू को पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सीवान में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हुसैनगंज की वीडियो है, मनीषा प्रसाद उनके चालक और चालक के पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। जो चालक हैं उनके पेट के नीचे और एक जांग जो जांग है उसके आगे गोली लगी, यानी कि दो गोली लगी है, और उनके जो पुत्र हैं उन्हें भी गोली लगी है लेकिन वो गोली छू कर निकल गई है। और चालक के पेट के अंदर अभी भी गोली फंसी हुई है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें सीवान से पटना रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस सुशासन में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चाहे बिहार की पुलिस कितनी भी दावा कर ले कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा, लेकिन सीवान में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ATN लाइव के लिए सीवान से चंदन कुमार। कैसे क्या हुआ है कुछ देखिए, हम लोग अब्बा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ड्राइवर हैं, उनको मीटिंग में थे कल्टीवेट में, तो फ़ोन किए कि गाड़ी नहीं है मोटरसाइकिल लेके आओ कोई सवारी। हम गए लाने के लिए, एक सरिया मोड़ क्या, और इधर एक आम का पेड़ था, वहीं दो आदमी बाइक लेके खड़े थे और रोक रोक करके हम लोगों को रोके तो तड़ तड़ गोली चलाने लगे। तो दोनों लोगों को गोली लगी है? हाँ, दोनों लोगों को लगी है। कुछ चिंताई भी करना चाह रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो बोले रोक रोक और तड़ तड़ गोली चलाने लगे, हम लोग वहीं गिर गए। गिरने के बाद से उठने के बाद एक बाइक उधर से आ रहा था, वो बोला क्या हुआ भैया, हम बोले कि दो आदमी अभी भाग गए गोली मारकर, हम दोनों आदमी को। उसके बाद से आप पहचाने ही कौन लोग हैं? वो लोग कुछ पहचान हो रही है? पहचान तो एक आदमी को पहचान रहे उसमें, लेकिन रात का समय था, अंधेरा था, इसलिए हम सही से उनको नहीं पहचान नहीं पहचान नहीं पाए, लेकिन चेहरा याद है हमको। कोई विवाद वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं। किसी घटना कहाँ की है, किस जगह पे हुई है? सरिया मोड़ के इधर एक आम का पेड़ था, वहीं पे बाद में आप आइए। हुसैनगंज से आ रहे थे BDO साहब का गाड़ी चला के, चचा है हमारे और चचा का लड़का है बिट्टू नाम है, दोनों को गोली मार दिया गया है। सरिया का घटना है। तो घटना घटी है तो क्या कुछ छिनताई की भी घटना को अंजाम वो लोग लिए हैं? चचा तो कह रहे हैं कि छिनताई वाला ही मसला है। अच्छा जी, तो कितने लोग थे कुछ पता चला है? ये सारी बात हमको अभी नहीं पता, हम लोग फर्स्ट एड अभी करा रहे हैं। कितने लोगों को गोली लगी है? दो लोगों को लगी है। और कहाँ लगी है गोली? एक आदमी को पेट में लगी, एक आदमी को कंधे पर लगी है। तो क्या करते हैं वो? हुसैनगंज ब्लॉक में गाड़ी चलाते हैं BDO का, सरकारी जॉब पे। सरकारी जॉब? क्या स्थिति अभी कुछ पता चल रहा है? स्थिति बहुत गंभीर है।
क्या नाम है उनका जो ड्राइवर साहब है? निजामुद्दीन सिद्दीकी है, ऐसे बुलाने का नाम बोला है, और बिट्टू नाम है लड़के का। मतलब पिता पुत्र हैं लोग? जी दोनों आदमी। तो ये आखिर कहाँ जा रहे हैं? तो लोग कुछ घर आ रहे थे ड्यूटी से, अपने घर आ रहे थे।